नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और गरीब माँ का श्राप की कहानी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मणी थी। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली, जिस कारण वह प्रतिदिन पानी पीकर और वासुदेव का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांधकर रख दिया और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। जब चोरों ने उस ब्राह्मणी की कुटिया में इधर उधर ढूंढा तो उन्हें वे चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोर उसे सोने के मोती समझकर चोरी करके ले गए। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। पकड़े जाने के डर से सारे चोर पोटली लेकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर गए और आश्रम से भाग गए। भागते समय चोरों से वे पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसके चने की पोटली चोर उठाकर ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखी तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग ये चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये शापित चने हैं, इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चने का नहीं दिया। श्राप की वजह से फिर कालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण रहे। अपने बच्चों का पेट भर सकें उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल यानी पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई।
सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी, लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण खड़े हो गए और सुदामा से मिलने दौड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे, कहां राजा और कहां ये साधु। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। संदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा हो गई। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने पोटली खींच ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे, वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रतिदिन अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की ये कथा सुनाई जाती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।